सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की सूरत हाल है और बिगड़ती हुई बदतरीन सूरत हाल है यहाँ पर। या तो मैं अगर कुत्तों की बात करता हूँ तो वो इदारा एग्जिस्ट नहीं करता, इनके पास डोमेन मौजूद है, बजट मौजूद है। अब मैं बात करना चाहता हूँ डेंगू के ऊपर, जो इस वक्त एक बीमारी यहाँ पर फैली हुई है। 144 के करीब नए केसेस रिपोर्ट किए गए एक ही दिन के अंदर और अमवात भी सामने आ रही हैं डेंगू से, हलाकतें। इसके ऊपर हुकूमत ने क्या जो है वो मेजर स्टेप्स लिए हैं और जो सेहत का इदारा है, जो महकमा है, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है, इसकी रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं? डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा, तादाद क्यों बढ़ती चली जा रही है, सिंध हुकूमत इस पर क्या कहती है, इसी पर सबसे पहले बात करेंगे नुमाइंदा K21 न्यूज सलमान सलीम से। सलमान, 144 नए केसेस सामने आए हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है। हर घर के अंदर अगर कहीं किसी को बुखार होता है तो वो सबसे पहली सोच यही जाती है कि आया ये डेंगू फीवर तो नहीं है। इसके ऊपर क्या जो है वो मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? जी देखें बिलाल, डेंगू फीवर जो है वो कराची में तो उसका राज जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है, जबकि इंतजारी डेंगू प्रिवेंशन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था सिंध हुकूमत के मातहत, जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये बिल्कुल एक तरीके से अगर बोला जाए कि गैर फाल है, तो इसके अंदर कोई शक नहीं होगा। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि रोजाना की बुनियाद पे 100 से 200 के बीच में जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची के जितने अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो या वो निजी अस्पताल हो, वहाँ पे जो है वो दर्जनों केसेस रोजाना की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसको कंट्रोल करने में महकमा सेहत और साथ साथ कराची मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। महकमा सेहत की जो वजीर हैं अदरा पीछे साहिबा, इन्होंने जो है वो इस चीज़ का इंकशाफ खुद किया है कि जहाँ पे डेंगू की जो है वो मरीज सामने आता है जिस इलाके से, उस इलाकों में जो है वो डेंगू प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो जाके स्प्रे करता है। तो इस चीज़ से वाज तौर पर ये चीज़ सामने आ चुकी है कि महकमा सेहत को आवाम की जानो माल से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये महकमा क्या कह रहा है सलमान, इसका मौकफ क्या है कि ये जो अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त कराची में है और हर दूसरे शख्स को डेंगू होता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या जवाब दे रही है, क्या इन्होंने एक नया जवाब बनाया है? देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि रोजाना की बुनियाद से 100-200 केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। वजीर सेहत जो है जरा पीछे हो, उन्होंने वाजे तौर पर ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक्सेप्ट की है कि जहाँ जिस इलाके से डेंगू के केसेस सामने आते हैं वहाँ जाके जो है वो डेंगू प्रिवेंशन प्रोग्राम वाले स्प्रे करते हैं, उससे पहले स्प्रे नहीं करते। ये काम सीधा सीधा KMC का है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को चाहिए कि वो जो है वो स्प्रे करे। ये सारे काम तमाम DMCs का है कि वो अपने अपने इलाकों में जो है वो स्प्रे करें। इस हवाले से महकमा सेहत से जो है वो कई बार दरख्वास्त की जो है वो दायर की जा चुकी है कमिश्नर कराची को, कमिश्नर कराची ने तमाम DCs को भी हिदायत दी थी, तमाम चेयरमैन। अच्छा, वफाकी हुकूमत का भी डेंगू कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम था, जो रूम बनाने का एक इन्होंने एक कैंपेन शुरू की थी, वो प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा, उससे कितनी जाने बचाई जा चुकी हैं अब तक? देखें फेडरल गवर्नमेंट की तो बात करना बिल्कुल ही फजूल है, क्योंकि सिंध से ज्यादा डेंगू जो है वो पंजाब में ज्यादा देखा जा रहा है। तो पहले तो उनको जो उनके करीब सूबा है, जो इस्लामाबाद जिस सूबे के अंदर आता है, पहले तो उसको उनको बेहतर करना चाहिए, उसके बाद वो जो है वो सिंध की तरफ नजर डालें। लेकिन इन्होंने अगर सिंध के अंदर कोई काम स्टार्ट किया है डेंगू कंट्रोल करने के लिए, तो अभी तक इसके जो है वो वाजह कोई असरात नजर नहीं आ रहे हैं। डेंगू प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है, वो भी एक हफ्ते के अंदर अगर कहीं से केस रिपोर्ट हो जाए तो वहाँ जाके स्प्रे कर देता है, अदरवाइज उसका जो है वो कोई काम नहीं है। उसकी जो गाड़ियाँ हैं जो स्प्रे करने वाली गाड़ियाँ, वो पूरा पूरा दिन सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो है वो खड़ी रहती हैं, जहाँ पे मैनेजर डेंगू कंट्रोल प्रिवेंशन प्रोग्राम के मैनेजर का जो दफ्तर है उसके नीचे खड़ी रहती हैं, उनका और कोई काम नहीं है। जब तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हो किसी इलाके से, तब तक जो है वो उनकी गाड़ियाँ मूव नहीं होती, वहाँ पे स्प्रे जो है वो नहीं किया। अस्पतालों की सूरत हाल बताएं, तीन बड़े सरकारी अस्पताल जो हैं उनकी सूरत हाल बताएं कि वहाँ पर क्या डेंगू प्रिवेंशन के हवाले से कोई एक्स्ट्रा कोई कार्रवाई की गई है, कोई रूम्स बनाए गए, कोई डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया है? बिल्कुल, देखें सिविल हॉस्पिटल हो गया या जिना हॉस्पिटल हो गया, अब बासी तक हो गया, वहाँ तक जो है वो डेंगू के जो है वो वार्ड बनाए गए हैं, जहाँ पे बेड के ऊपर जो है वो जालियाँ लगी हुई हैं। वार्ड तो देखें बनाए हुए हैं डेली केसेस के ऊपर,
दर्जनों केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों से निपटने के लिए जो इकदामात हैं हुकूमत की जानिब से या शहरी हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर नजर साली करने की ज्यादा जरूरत है। एक तरफ लोग जो है वो यही जो गुजरा है या यही जो मेयर कराची है ये लोगों को जो है वो हिदायत जारी कर रहे हैं कि अपने घर में जो है वो पानी को ढाक के रखें, एहतियाती तदाबीरें बता रहे हैं, लेकिन जो उनका काम है वो अपना काम नहीं कर रहे। तो ये गाड़ियां जो स्प्रे मुहिम चलाने के लिए रखी गई हैं, ये कब काम में लाई जाएंगी और कितनी अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए? कोई जो है वो मेजरमेंट बताइए इन्होंने कि इतने लोग मर जाएंगे तब हम ये गाड़ियों को हरकत में लाएंगे। देखिये बिलाल, अब तक तो रवा साल में 18 हलाकतें जो है वो डेंगू के सामने आ चुकी है, और अब तक जो है वो डेंगू प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम की गाड़ियां तो वो दफ्तर के नीचे ही खड़ी रहती हैं, जबकि केएमसी वाले जो है वो कभी कभी बाइकों के ऊपर कर देते हैं या कभी कभी सुजुकी के ऊपर जो है वो किसी किसी इलाके का स्प्रे कर देते हैं, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर ये स्प्रे मुहिम जो है वो नहीं चल रही है। इससे अच्छा, इस पर भी केएमसी के पास क्या बजट नहीं है, डीएमसी के पास बजट नहीं है क्या? देखिए, हमेशा की तरह इनका यही रोना है कि अब तो मुझे लग रहा है कि ये भी बोलेंगे कि स्प्रे करने के इख्तियार जो है वो वजीर बल्दियात ने हमसे ले लिए हैं। अब इनका आने वाले टाइम में यही मौके सामने आएगा। इनके पास सारी चीजें हैं, बजट भी है, मशीनरी भी है, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको स्प्रे जो है वो नहीं करना, इसका जवाब अभी तक जो है वो केएमसी की जानिब से नहीं मिल सका है। जबकि वजीर सेहत ने वाजे तौर के ऊपर अपनी नाअहली ये बता दी है कि जहाँ से डेंगू की केसेज रिपोर्ट होते हैं, ज्यादा केसेज रिपोर्ट होते हैं, वहां जाके जो है वो डेंगू प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए स्प्रे कर देता है, फुटेजेस बनवा लेता है और उसको जो है वो शेयर कर देता है। अदरवाइज डेंगू प्रिवेंशन प्रोग्राम बिल्कुल गैर फाल हो चुका है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया इस हवाले से रिपोर्ट करने के लिए। नाज़रीन, हर तरफ जो गवर्नमेंट है ना तो वो गैर फाल नज़र आ रही है। जहाँ अगर मैं बात करूँ डीएमसी की या फिर मैं बात करूँ केएमसी की या फिर मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की बात करूँ या फिर मैं पूरे प्रोविंस की बात करूँ, पूरे सूबे की बात करूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर झिझोड़ूँ तो गैर फाल नज़र आ रही है हर चीज़। चाहे सेहत का शोबा हो, चाहे तालीम का शोबा हो, चाहे वो बल्दियात का शोबा हो, वो कोई भी शोबा हो वो गैर फाल नज़र आ रहा है इस सूबे के अंदर। और इस ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है और जो तमाम सियासी जमातें आकर कहती हैं कि एमरजेंसी नाफिस कर देनी चाहिए, वाकई आपको हर शोबे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर महकमे के अंदर आपको एमरजेंसी इस वक्त नाफिस कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो डेंगू की सूरत हाल है, हर दूसरे घर के अंदर डेंगू होता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कोई मेजर स्टेप्स लेते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर मैं स्प्रे मुहिम की बात करता हूं तो वो वहां पर भी कहीं ना कहीं गफलत नजर आ रही है। बहरहाल, यहां पर हेल्थ स्पेशलिस्ट से बात करेंगे। डॉक्टर सदफ हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। ये बताएं कि ये जो डेंगू की वबा एकदम से यहाँ कराची में फैल गई, 144 केसेस एक दिन में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, इसको ये क्या मामला है, क्यों इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है डेंगू? देखिए, इसमें सबसे एक तो अहम वजह ये है कि जब डेंगू की जब अफजाइश हो रही थी, क्योंकि देखिए अगस्त से दिसंबर तक का महीना डेंगू के जो अंडे होते हैं, जो उनके जो उसके वो एक अफजाइश का महीना होता है, तो यानी कि उन महीनों में जो है डेंगू के जो मच्छर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा अफजाइश हो चुकी है। और अब जो उस तरह के जो है डिफरेंट वाटर कंटेंट्स हैं कि जो ऐसे पानी जहाँ पर मौजूद हैं कि वहाँ पर जो है डेंगू के मच्छर अभी तक वहाँ पर उनकी अफजाइश हो रही है, और दिसंबर तक अगर हमने जो है कुछ ऐसे हिफाजती इकदाम नहीं किए तो दिसंबर तक मजीद इनकी जो है और ग्रोथ में जो इजाफा होगा। तो अब हमने पहले तो जो है इसकी कोई भी जो है प्लानिंग नहीं की कि जैसे जब इसके मंथ स्टार्ट हो रहे थे अगस्त से लेके, तभी हमें जो है स्प्रे है और फिर पानी के जो है निकासी का जो है एक मुनासिब इनके जो है उसके इंतजाम करने चाहिए थे, घरों में लोगों को जो है अवेयरनेस जो है देनी चाहिए थी। चलो ठीक है, ये तो एक हुकूमती फेलियर सामने आ गया कि अफजाइश से हम नहीं रोक सके। सैकड़ों की, लाखों की, करोड़ों की, अरबों की तादाद में ये इस वक्त पैदा हो चुके हैं। अब क्या मेजर स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि ये हर दूसरे घर में डेंगू आपको मालूम होता है और पता चलता है कि डेंगू फीवर हो रहा है, इसको रोका कैसे जा सकता है? अब देखिए, इसको अब रोकने का ये कि जहाँ जहाँ पर इस तरह के जो है पानी के जखायर मौजूद हैं कि जहाँ पर हमें पता हो कि यहाँ पर डेंगू मच्छर की अफजाइश हो रही है, वहाँ पर जो है अच्छे तरीके से जो है मच्छर मार स्प्रे किए जाए, स्प्रे से जो है इन मच्छरों की जो है वहाँ पर अफजाइश को और मजीद उन मच्छरों को एक जगह से दूसरी जगह फैलने से जो है रोका जा सकता है। इसके अलावा जो घरों में हमें जो है हम लोग एहतियात करें, घरों में देखें कि जो है जो रूम कूलर है, एसी के नीचे जो पानी है, फ्रिज के नीचे जो एक बकेट में जो है पानी जमा होता है, कहीं पर घर में जो है प्लांट्स के नीचे
गमले के नीचे, खाली टायरों के नीचे, ऐसी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर अभी तक बारिश के बाद का पानी मौजूद होगा। तो घर में हम जो है इस तरह की चीजों को जो है खुद से देखें कि घरों में कहाँ, घरों के बाहर अभी तक कुछ इलाकों में, घरों के बाहर भी अभी तक जो है बारिश का पानी वैसे ही मौजूद है, तो वहां पर भी जो है इन डेंगू मच्छरों की जो है अफजाइश हो सकती है। अच्छा, इससे घरेलू अगर मैं आपसे तदाबीर पूछूं तो किस तरह से बचा जा सकता है और इसके सिम्टम्स भी क्या होते हैं, ये भी जानना चाहूंगा। देखिए, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसमें तो ये कि बहुत तेज बुखार होता है और जिस में जो है बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है कि जो है कमर के हिस्से में और बैक साइड पे, हाथों में, यानी कि हड्डियों में बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो जाता है और फिर इसके बाद जो है पूरी बॉडी पर जो है रेड कलर के जो है पैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सुर्ख रंग के जो है धब्बे पूरी बॉडी पर जो है आने शुरू हो जाते हैं और फिर जब इसमें जब आगे की जब कंडीशन हो जाती है तो फिर बॉडी से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो इसके जो इब्तदाई जो अलामत होती हैं जिसके बाद हमें फौरी तौर पर, क्योंकि देखिए आजकल डेंगू का जमाना है कि अगर आप किसी मरीज को देखें, आपके घर में ऐसा कोई फर्द हो जिसको बहुत तेज बुखार है और उसके जो है जिस्म में जो है दर्द शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर उसको जो है डॉक्टर के पास जो है ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इब्तदा में ही डॉक्टर ने जो है ट्रीटमेंट कर ली, उसको जो है इब्तदाई तिबी इमदाद दे दी गई, तो वो फिर जो है अब जो है उसमें जो उसको फिर आगे जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। ठीक है, अब कराची के अंदर कौन कौन से ऐसे बड़े अस्पताल मौजूद हैं जहां पर ये डेंगू के हवाले से स्पेशल वार्ड्स बनाए गए हैं जहां पर ये इनकी जो है वो देखभाल की जाती है इन मरीजों की? देखिए, जो है जिसमें कराची में बहुत सारे ऐसे जो है सेंटर्स हैं खुले हुए, जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, बहुत सारे जो है सेंटर में हॉस्पिटल में ऐसे जो है डेंगू के केसेस के लिए अब स्पेशल वार्ड बना दिए गए हैं जहाँ पर, क्योंकि देखिए डेंगू की जो है इसमें कोई मरीज है तो उसमें एक चीज की भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि वो डेंगू के मरीज को हमें उस जो है किसी और मच्छर के जो है काटने से बचाना होता है, क्योंकि डेंगू का के जो मरीज होते हैं वो उनको अगर कोई और मच्छर काट लेना तो फिर वो अगर किसी आम सेहतमंद इंसान को अगर काट ले तो वो फिर डेंगू का मर्ज जो है एक फर्द से जो है दूसरे फर्द में ट्रांसफर हो जाता है। तो अब डेंगू को जहाँ पर भी जो है ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अच्छा ये एक अलग एक नया मसला है जिसके ऊपर आपने जो है वो बहुत अच्छी तरह रोशनी डाली कि एक तो स्प्रे नहीं हो रहे हैं, डेंगू हो जाता है तो फिर उस मरीज के पहले आपने जाकर उसकी मेडिकेशन करनी है और फिर दूसरे मच्छरों से भी बचाना है उसको। एक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर सदफ कि अगर किसी शख्स को बुखार होता है और उसको वो लाइट लेता है, वो समझता है कि नॉर्मल रूटीन का बुखार है और अगर 2-3 दिन देर हो जाती है इलाज में तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं डेंगू के हवाले से? देखिए, इससे नुकसान ये हो सकते हैं कि उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं मिली तो फिर आगे जाकर जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर में जो है वो फिर डेंगू कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें जो है डेंगू के का जो है जो वायरस है वो फिर उसकी जो है पूरी बॉडी पार्ट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से, उसके जो है नोज से, हर जगह से जो है। अच्छा, ये इजीली दूसरे लोगों में भी ट्रांसफर हो सकता है अगर घर में किसी एक शख्स को डेंगू है? बिल्कुल, अगर किसी को जो है डेंगू मच्छर ने जो है बाइट किया है और उसकी बॉडी में जो है डेंगू का वायरस एंटर हो गया और फिर अगर उसको किसी दूसरे मच्छर ने काट लिया और तो फिर उस मच्छर के अंदर जो है वो डेंगू का वायरस आ जाता है और वो किसी अगर सेहतमंद इंसान को अगर वो काटेगा तो उस सेहतमंद इंसान में जो है वो उस डेंगू वायरस को जो है दाखिल कर सकता है। इसीलिए अगर किसी फैमिली में किसी को अगर डेंगू इन्फेक्शन हो गया है और वो अगर उसको कहीं हॉस्पिटल नहीं लेकर जा रहे हैं, घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो जो मरीज है उसको बिल्कुल मच्छर काटने के अंदर रखा जाए ताकि और मच्छर जो है उस मरीज को जो काट नहीं सके। फिर ये डेंगू मच्छर जो ये जो बीमारी है डेंगू की, ये इसी तरीके से जो है एक फर्ज से जो है दूसरे फर्ज में फैलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ इस हवाले से आने के लिए और बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए। आपने अंदाज़ा लगाया होगा नाज़रीन कि ये किस कदर जो है वो ख़तरनाक एक बीमारी कराची के अंदर फैलती हुई नज़र आ रही है और 144 केस नए केसेस रिपोर्ट हो जाने एक ही दिन में। महकमा सेहत सिंध की जो हुकूमत है, आपसे सवाल है यहाँ पर, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको टेकअप नहीं किया गया
तो हर दूसरे घर के अंदर आपको जो है वो अमवात होती हुई नजर आएंगी, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो। और दूसरी बात, केएमसी जो मेयर साहब चीखते रहते हैं ना, मेयर साहब कहते हैं इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है, चीजें नहीं है, मामला सही नहीं चल रहे, स्प्रे मुहिम तो कराना आपके इख्तियार में है, आप करा दीजिए, और अगर नहीं करा सकते हैं तो ये इख्तियारात का रोना जो है वो बंद कर दीजिए। बहरहाल यहाँ पर एक वक्फा लूंगा, उसके बाद दीगर स्टोरी शामिल करेंगे।